पानी उठा तेरे पहलवान होटल पर पैसा ना दिए, सच्ची खसम खा तो ना पहलवान होटल पर पैसा चुराते तेरे संजय चैंबर्स ना दिए बुआ तो लौंडा चैंबर पैसा ना दिया पहलवान होटल पर पैसा दिया सर जिसने बुआ तो लौंडा की चैंबर्स मैं सब जो के बाजे सर धो के बाजे सच्चा आदमी चुप है चिड़ियाघर बना रखा है भाई सर सिलेंडर। अरे सिलेंडर ना भाई और डिफेंडर है इसमें ही बैठा नहीं दोनों भैया अलोंडिया बैठा नहीं पीछे अरे शीशे ना ये इधर ताले करवा लिए अरे तो दोनों भैया मोड ले लिए यही नहीं डिफेंडर में अब सुनो जानी जो ना चीता कह दे जानी कह दे भाई अभी भाई इसमें पड़ी है चाबी या ले तो भाग ले तू बैठ पर लियो तू इंजेस बैठ तू चल भाई जैसे भाई लेकर चल गाड़ी हमारी होगी सौ पार ले चल आज हम लौंडे बैठा दिए घुमा दिए मजा ले लिया अभी हमने अभी हाजी हाजी बाहर निकल हाँ तो वो पता ना इंस्टाग्राम से बात शाम चीता दे रहे हैं अपने घर में नहीं मारवा क्यों गाड़ी में बस बैठा रहे तो गाड़ी हमारी है गाड़ी हमारी है और बाहर निकल बाहर जो गाड़ी में बैठा गाड़ी मालिक थी बाहर बाहर भारतीय मालिक बहुत बेटा बाहर आ जा तुम्हें नूना पता इंस्टाग्राम तो बादशाह बहुत डोले बाहर को बाहर चीता ही कह रहे हैं मैं भी अरे चीता ही लपेटे हमने भी राहुल साहब के वाले के मारा चल बाहर अरे राम राम भाई कैसे भाई छोटी सी मदद चाहिए थी आपकी हमारा छोटा भाई गाड़ी थे ये विदेश वाले पे आए हुए थे उन्होंने गाड़ी भर पार्क करी वहां से दो चोर उनकी गाड़ी चुराते हुए पकड़े साथी हो तेरा हाँ पहले कितने मुकद में क्या नाम है ये चीता नाम है मेरा जादू चीता जादू असली नाम क्या है तुम्हारे मेरा नाम असली नाम गोपाल है मेरा नाम पिंटू है जी तो गोपाल पिंटू ये डिफेंडर की चोरी कर रहे थे सर डिफेंडर चोरी ना कर रहे जो वीडियो बनाने के मारे कर रहे अच्छा और फिर हमने सोचे मन की थोड़ी देर तो मन की कहीं तो ले जाने दूर तो वो काली पन्नी बननी छड़वा दे मत हम वीडियो बनाते हैं मत चाबी तो लगी पड़ी मत थोड़ी देर ले जाने मत जब देख लेंगे वीडियो बनाते हम तो सच्ची उल्टी सड़ी कर देते हैं अच्छा तो करता है ऐसा हाँ जी ले गए दो बजे किसी थी लाते सड़ी कर गए अच्छा पहले तो तू गाड़ी चोरी कर और फिर उसमें काली फिल्म चढ़ा गाड़ी भी काली फिल्म भी काली तुम्हारी दोनों की जिंदगी ऐसी काली कर दूंगा इतनी धारा लगा दूंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगी तुम कर क्या रहे हो गाड़ी चोरी करना धारा 379 इसके तहत 1 साल से 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है इसके अलावा काली फिल्म चढ़ाना यानी टिंटेड ग्लासेस ऐसा करने पर आपका लाइसेंस तक जब्त हो सकता है तो ऐसा करने से जरूर बचे समझ गया भाई चीते जी तो करेगा आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा पक्का हाँ जी या दे दो मुकदमा नहीं नहीं अब ना करें मुकदमा मत रहा दो अब ना करें आज ही तो नशा कर रखा नहीं जी नशा तो करते ही नहीं सर जी आपसे एक बात पूछूं मैं बता सर जी सर जुर्माने की किस्त हो गए उसे हम एमआई पे भी पे कर सकते हैं अच्छा तो जुर्माना दे रहा है या बैंक का लोन दे रहा है मैं तो सर जी पूछ ही रहा था आपसे मतलब जो चीज मुझे ना पता हो मन के जो सर से पूछ लूं ये एक बार में दे दूं या किस्तों में दूं सर जी आप बता दो क्या चाहिए या दे दे मर जाने हम तो ना तो लग तो रहा चल खैर सर जी ये जो तुम हम पे धारा लगा रहे हो कम से कम एक बार हमें बोलने का मौका तो दो क्या मौका दूं सर जी हम इंस्टाग्राम से बस आदमी है स्टार है इंस्टाग्राम फेमस आदमी है मुझे के थोड़ा सा सोचो सही हमें बोलने का मौका तो दो जादू कह दे भाई अभी सुन हां बोल 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 चीता ही कह दे चिड़िया अगर छोड़ दूं तुम्हें
अरे इसी बात के तो फेमस है हम। फेमस है? हाँ जी। आज एक मुकदमा और दे दूं और फेमस हो जाएगा। चीता जादू पकड़े गए और चिड़ियाघर भेज दिए गए। अरे चिड़ियाघर ना जाओ हम। कहाँ जाएगा फिर? हम कहीं बाहर निकले, विदेश विदेश में। तू जो डिफेंडर चोरी करो और फिर निकल जाओ बाहर, है ना? अरे नहीं तो चीता ही करना। अच्छा तो सुन भाई जी, चाहे तू चीता है चाहे तू जादू है, पहचान तो गया मैं तुम्हें दोनों को। तुम वही हो, एक और है तुम्हारा, वो शेर है ना? जी हाँ, शेर भाई भी है। तो चाहे शेर हो, चीता हो, चाहे जादू, कानून सबके लिए एक है जी। और आज जो तुमने गलती करी है, तुम्हारी कंप्लेंट है, तुम पूछताछ में आए हो, तो तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी जी। और मुझे पक्का पता है तुम ये जो कर रहे हो ना, इसमें वो तीसरा साथी तुम्हारा शेर भी इन्वॉल्व है। कहाँ तुम्हारा शेर? अरे शेर भाई बाहर इंजन दी थे यहाँ पर लियोड, फोन पे बता रहा होगा, इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा कैसे गाड़ी चोरी कर रहे हो, है ना? गाड़ी का शीशा कैसे खोला? सर जी शीशा शेर भाई ने यहाँ से खुलवाया, शेर भाई ने का मैं ही दे रहा था चक्कू सो। अच्छा, किसी गाड़ी तो बंद हो जाए तो या जहाँ चाबी लगे ना सर जी, या चाबी थी ऐसे ऐसे बजाते घुमाते तो बाजी किसी चीजी गाड़ी तो खुल जाए ऐसे। सर जी करवा लो तो शेर भाई ये सारी काम। हाँ जी हमें तो पता ही तो, बस शेर को बुला लो एक बार, फोन करो। फोन कर, नंबर है? हाँ आप मिला दो, बता नंबर बता। 93-54। हाँ भाई शेर बेरा की, हाँ तेरे चीता जादू तो पकड़ लिए, वही डिफेंडर की चोरी में। अब एक काम कर दो, फटाफट आ जा। हाँ पूछताछ के दफ्तर में आ जा, आ जा आ जा, फटाफट आ जा, कहीं भी हो आ जा। चल भाई तुम्हारा तीसरा साथी तो आ रहा है। एक मैंने तुम दोनों की वीडियो देखी थी, 83 रोटी खाने वाली वीडियो। तुम्हारा पेट है, कुआ है, तुम जरा जरा से तो हो, 83 रोटी कहाँ? सर जी दो हमने, तीसरे शेर भाई भी है हमारे साथ। अच्छा, शेर भाई ने 40 रोटी खाई, 40 मैंने खाई जी, जादू भाई ने खाई। जब इनके नाम नहीं थे सर जी, शेर भाई तो शेर पाल तह दी हो, इस तो जो पाल तह दी मैंने। और सर जी मैंने ही वो रील बनाई, मंत्री आ जाए भैया मथुरा वृंदावन होटल पे, और 40 रोटी शेर पाल ले, 40 रोटी जो पाल ले, और 3 रोटी हमारी पेट अंबर में जा रहे भैया चीता ही कहते हैं ऐसा तक। वो वीडियो ही हमारी जी सर। और तुम वीडियो में गालियां भी बकते हो, लाइव पे आ जाते हो, गालियां देने शुरू कर देते हो। नहीं लाइव पे कोई गाली नहीं, तो वीडियो तो बनाते हो गाली। वीडियो सर जी वो डायलॉग ही हो जाए थोड़े थोड़े, पब्लिक क्या सर जी इससे खुश हो जा। अच्छा पब्लिक को खुश करने के लिए कुछ भी कर दो, गाली वाली दे दे सर जी कर दो। अच्छा मना नहीं करता कोई? नहीं जी, ये तो कहते हैं भैया ऐसे बनाता करो, नाम छो ऐसे बनवा मैं अपने। और ये जो तुम्हारे नाम है चीता जादू, ये सब किसने रखे? मैंने। मतलब क्या कहानी थी, कहीं चिड़ियाघर घूम के आया था ना? फिर सर जी मेरी जो मम्मी छोटे से मुझे चीता ही थे भाई। क्या चीते की तरह भागता था ना सर जी? क्या भाई ऐसे ही मतलब कोई हरकत तो देखी होगी भाई? नहीं नहीं, एक दिन हम छत पे बैठ के अपने मनोरंजन मनोरंजन कर रहे, खा पी रहे, तो चीता भाई हम दोनों भैया बैठे वहाँ पे, तो चीता कह लगे शेर भाई और बुला ला, हम दोनों बैठ के थोड़ी बहुत दारू वारू पीएंगे, मनोरंजन करेंगे। मन चलो ठीक, तो वहाँ थोड़े बहुत दो चार पैक मारे तीनों भैया ने, इन्होंने एक डायलॉग मार दिया कि भाई ये चीता के भाई शेर हैं। और शेर ही रहेंगे उस दिन से, भाई शेर का नाम चीता भाई भाई ने रख दिया उसको। अच्छा उस समय से चीता भाई शेर भाई ने तो नाम रख दियो। सर जी मैं पहले से चीता, वो वीडियो जो बहुत वायरल हुई, हमें सुबह के टाइम पता चली कि भाई हमें दो चार लड़का ने बताया कि तुम्हारी जो वीडियो जो बहुत वायरल हो गई हो, तुम ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो बनाते रहो और तुम आगे तक पहुंच जाओगे जो तुम बनाते रहोगे। तो कितना टाइम हो गया आप लोगों को ये वीडियो बनाते हुए? नहीं ज्यादा होगी, लमसम 7 साल भर के आसपास होगी जी। सर जी जब ये वीडियो बना दी तो सर जी मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। सर जी पहले मैं दिल्ली में ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या करते थे? ड्राइवर ही करता था सर। कौन किस क्या गाड़ी चलाते थे? टीचर की गाड़ी चलाता था। अच्छा पर्सनल ड्राइवर जी। कितनी तनख्वाह मिलती थी? सब जब दे रहे थे मुझे 9,000 रुपए वो। फिर उसके बाद सर जी वीडियो भी चलती रही, वीडियो बनाता रहता हूँ मैं जब तक भाई अरबी। पहले मैं सर जी अकेले वीडियो बना रहे, फिर भाई बता रहे जादू भाई छत पर बैठते रहो, अपना वीडियो अपनी अपनी वो वायरल हो जी। उसके बाद सर जी फिर मैंने फिर सर जी 3-4 साल अपनी दिल्ली में चलाई। फिर मैं मेडिकल सर जी मैं टिकटॉक पर वीडियो बना रहे हो, टिकटॉक चैनल खत्म बोल रहा हूँ। टिकटॉक? हाँ टिकटॉक। अच्छा उससे पहले हाँ उस पर वीडियो बना रहे मैं अकेले, तो वो चैनल सर जी खत्म ही कर दिया। सर जी फिर ड्यूटी वूटी ला ली, फिर सर जी दिल्ली से ड्यूटी छोड़ दी,
फिर एक हमारे यहाँ 121 जिनारा सोसाइटी है, वहाँ पे एक मैडम है मेडिकल इंचार्ज, फिर 2-3 साल में उनके साथ मेरठ में जाएगा सर जी। फिर वीडियो मैं अपनी घर वाली वीडियो बना पाया भाई, रहते जल शाम तो आते कि 4 बजे छुट्टी हो जावे मेरी ड्यूटी जाडी पैसों, तो अपनी आते घर भी वीडियो बना पाया वहाँ भी सर जी। ऐसे शुरू बात शुरू ऐसे चलते आए, फिर बीच में आते ड्यूटी छोड़ दी मैंने। ये भाई कहाँ मिल गए, ये बचपन के दोस्त है या अभी दोस्त? नहीं, ताऊ के लड़ते हैं ये भी। अच्छा, शेर भाई है वो भी ताऊ के लड़ते हैं। अच्छा, एक फैमिली में हो सारे साल। और आप क्या करते थे? मेरा पानी का काम है जी। अभी भी है? हाँ। अच्छा, तो ये वीडियो ऐसी मस्ती के लिए एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हो, बाकी पानी का काम अपना दाल रोटी चल रही है जी। वो पानी का काम है, 10 बजे तक का काम रहे, उसके बाद हम फ्री होते हैं। अच्छा, सुबह 10 बजे तक? हाँ, सुबह 10 बजे तक। तो फिर बाकी टाइम परिवार में कौन कौन है? सर जी मम्मी पापा भी हैं, वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, सब हैं सर परिवार में। और आपके? हमारे सब ये जी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, होई सोई जो राम रची राखा जी, यानी कि जो राम जी चाहेंगे जो करेंगे वही होगा। तो आपको नहीं लगता कि हाँ आप जीवन में अच्छी चीजें करें, राम जी के बताए हुए मार्ग पर चले, ये गालियां बकना बंद करें, एक अच्छा कंटेंट आप दें समाज को? नहीं सर जी, पहले जाली देते थे, अब नहीं दे रहे हैं। पक्का? हाँ, किसी वीडियो में जाली नहीं है, अब नहीं किसी गाली में, नीचे वाली वीडियो में जाली है सर, अब किसी में जाली नहीं है। तो आज यहाँ पूछताछ के दफ्तर में संकल्प करो कि गलती से भी आप गाली नहीं दोगे। हाँ, नहीं देंगे आज के बाद। आज के बाद ये हमारा अनुरोध है सब सुर कि पूछताछ में आने के बाद हम कभी भी अपने इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी किसी गाली नहीं देंगे आज के बाद। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो, गाली की बात तो हो गई। एक तुम्हारी एक और साथी है शेरनी जी। शेरनी ने चीता के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए, चीता शराब पीता है जी, शराब पी के गालियां भी देता है, अभद्रता करता है, बदतमीजी करता है, उसको पैसे भी नहीं देता। नहीं नहीं, वो चीज गलत है, गाली तो मना तक किसी भी ना दीजिए। शेरनी साफ कह रही है कि चीता बदतमीजी से पेश आता था। ना ना ना, वो सब झूठ है सर जी। हमारे पैसा है इस पर 15,000 रुपया हमारे अभी नहीं मिले, इसने हमें धमकी दी मारने की, और हमारे यहाँ नोएडा में फेस टू थाना पड़ता है। उसने अभी हमारे एक इंटरव्यू हुआ था अनूप मास्टर जिनके यहाँ पे, उसमें मैं फोन लेता ना आया, उसमें लेते रहे दूसरा वाला अपना, और फोन में आप तो सारी चीज दिखा भी देता, थाने के बाहर खड़े होते, इसने फोटो भेजे मेरे पास, फिर मैं पैसा नहीं दूंगा, मैंने इससे अपने पैसे मांगे, अभी मेरे पास से चली गई। ये तो कह रही है कि 150 रुपए एक दिन के मेरे को कहता था और मैं 150 रुपए भी नहीं देता सर जी। 15,000 अब भी चाहिए इस पे हमारे। तो एडवांस दे देते थे तुम सर जी? नहीं, एडवांस नहीं, जैसे कि कमरे का किराया नहीं दिया, मकान मालिक गाली देख रहे आगे कि वो हमसे कह रही भाई तो तुम्हारे साथ में मैं वीडियो बना रही तो खर्चा तुम मेरा दो, उसका खर्चा भी देख रहे हम, उसने अपने आदमी की ड्यूटी और छुड़वा दी न, कभी इसे इसे इसका भी खर्चा। एक इंटरव्यू में तो ये भी झूठ बोला है, जो इनका जो पति है ना उसने भाई बताया है, अपना पति उसने भाई बता दिया, अब इससे ज्यादा क्या सच बोले जी। आपकी आप भी जैसे शादीशुदा हो, आप भी शादीशुदा हो, तो आपकी घरवाली ने कभी ये नहीं कहा कि भाई तुम दूसरी औरत के साथ वीडियो बना रहे हो? नहीं, कहती है, कहती है, कहती भी हो। सर जी, हमारा तो इसमें वीडियो बनाने में कुछ इसका पर्पस थोड़ी था, बस मेरी वीडियो में ना डायलॉग नहीं कुछ, अब बस मैं यही बुलवाता था, मैंने कि शेर नहीं कह रहे हैं, वो भी शेर भाई की विजय सु, जब शेर भाई ने हमारा साथ छोड़ दिया था उस जब उस दौरान हम उसे लेकर आए थे। तो दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहूंगा आईपीसी सेक्शन 294 के तहत किसी भी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करना, बदतमीजी करना, छेड़छाड़ करना, इसके तहत कानूनी प्रावधान है जिसमें 3 महीने तक की जेल जाने की उम्मीद है। तो चीता और जादू इस तरह की किसी भी एक्टिविटी से आप बचे, वरना आपको जेल हो सकती है। सर बचे थे सर, जब तो हमने अपने पैसे छोड़ दिए, जब उसने वीड थाने तो फोटो खींचते हमारे पास डाल दिया, हमने दिए पैसा हमने जान दो, जैसे आप समझा रहे हो ऐसी किसी और ने समझाए कि भाई लड़ती है तुझ भी करवा सकती है, तुम्हारी चलना है लड़ती थी चलनी है, तो सर हमने फिर जाने पैसा ही छोड़ दिया, हमने उनके दौरान जाना बंद कर दिया, पैसा भी छोड़ दिया, पैसा जो हमारे उन्होंने मत ना दी कोई बात ना। वैसे है कौन ये शेर नहीं, कहाँ रहती है? सर जी किराएदार नहीं है, इलाहाबाद से जन रहा है पता नहीं, यहाँ पर रेंट पर रहती है कमरे में। कहाँ? नोएडा जी, जेटर में। फेस टू फेस टू फेस टू में। तो आपसे कैसे जुड़ गई शेरनी? जुड़ी जाती सर, ये बुआ का लड़का था, बुआ के लड़के ने हमारे कॉन्टेक्ट में करवाई थी, एक लड़की है तुम्हारी वीडियो देखती है बहुत ज्यादा और तुम उससे बात कर लो, ये वीडियो बनाने के लिए तुम्हारे साथ। तो उस वो खुद आई थी तुम्हारे पास? जी हाँ, उसने बोला था, जो हमारे बुआ का लड़का है ना, उससे बोला था कि एक बार इनसे मिलवा दे हमें, इनके साथ में एक वीडियो बनाऊंगा मैं। अच्छा हाँ,
जी उसने मैं क्या बोलूं वीडियो में, मतलब कुछ मत कहना तो एक बार यही बोल देना, बस सेड नहीं कहते हैं सर जी, हर वीडियो में आप किसी में भी चेक कर लो हमारी में, सिर्फ इतना ही बोलना है उसको सेड नहीं कहते हैं बस। तुम्हारा वो कहाँ है, जब वो आया नहीं अभी तक भी तुम्हारा शेर, 15 मिनट हो गए उसे फोन करे हुए। सर पता नहीं, आप एक बार कर लो और पूछ लो सर जी, हमें तो पता भी ना। चलो आ जाएगा, कोई नहीं, मैं बार बार फोन थोड़ी करूंगा ना जी, आदमी भेज के बुला लेंगे जहाँ भी। अच्छा ये शेर से लड़ाई क्यों हुई आप दोनों की, बताओ जादू भाई कैसे हुई लड़ाई? ना जी बाजू, पहले तुम सारे साथ दिखते थे, अब तुम अलग दिखते हो, कोई वजह तो रही होगी? नहीं नहीं, लड़ाई वड़ाई हमारी उससे कुछ भी ना, वजह यही रही है कि शेर भाई ने आईडी बना ली अपनी अलग, शेर भाई कलर में अलग बनाऊँ वीडियो, पर ठीक है भाई अलग बना लो, अपना अपना फोन है, सब अपनी अपनी अलग बना, लड़ाई है ही ना। अच्छा बस, हाँ बस बस इन तो मन हुआ अलग बनाने को कि भाई मैं अपनी अलग बनाऊँ, मैं ठीक है भाई आप अपनी अलग बना लो। तो कभी मिलते हो, राम राम सारी चीजें? सर जी सारी चीज धरी हो गए, खाली मिठा है आज भी रोटी। अच्छा सब पास ही? अच्छा बस आइडिया लगा। हाँ आइडिया ही, आइडिया लग लगता वैसे ना है। तुम्हें लगता कि अगर तुम सारे एक साथ आ जाओ तो फिर वीडियो तुम्हारी और ज्यादा अच्छी चल जाए तीनों की, एकता में बल, पहली क्लास में हम पढ़ते थे। सर जी शेर भाई जो वहां जाने सोच रहे ना बिग बॉस में, अच्छा तो अभी जैसे अपनी अलग बना ली आई डी ने। अच्छा तो शेर को ये लग रहा है कि मैं बिग बॉस में जाऊंगा? अच्छा और हम तो नहीं कह रहे, ऊपर वाले जो पहुंचा भी देवे तो बढ़िया। अच्छा शेर अगर बिग बॉस में चला गया तो सपोर्ट करो? सपोर्ट जी, सपोर्ट पूरी, पूरी सपोर्ट करोगे? पूरी सपोर्ट है पूरी, भाई तो है। वैसे मन में कोई मैल नहीं है? नहीं ना, मेरे मन में कभी कोई मैल ना। कभी शेरनी को लेके शेर और चीते का झगड़ा हो गया? ना 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 कभी हमारा ना हो, हो जाता है जर जोरू जमीन नहीं, हमारे हमारी तरी लड़ाई ना हुई सर जी, बड़ो भैया हमारो। मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि भाई चीता शेरनी को परेशान करता था, चीते ने पैसे नहीं दिए। नहीं नहीं सर जी, मोर्चू एक महीना बाद आई वो शेरनी, और शेरनी शेर की तो कभी शेर, एक महीना पहले सर जी, पहले तो मेरी धुरी आई ही, लेकर मैं आया हूँ स्टाफ पे भी, नाम मैंने दिया, सब चीज मैंने दी उसे, और एक महीना तक फिर ये छोड़ दी मैंने, मंदी वीडियो ना बनानी। कभी शेरनी ने कान भर दी शेर की कि भाई ये मुझे? अब शेरनी थी शेर भाई थी तो अपनी अपनी पर्सनल बात हुई हो तो उसमें पता ना जी, अब दोनों की तीसरे की बात हमें क्या पता जब दो आदमी में हुई हो। चलो तो आपका शेर भी आ जाए तो फिर हम देख लेते हैं। हाँ क्या कहने, फोन तो कर ही रखा है उसको, देख रहे हैं कब तक आ जाए शेर। शेर जादू ही कहता है भाई अभी। शेर हर चीज का ही कहते हैं। अरे क्या हो गया, बनाऊ तुम्हारा चिड़ियाघर अभी तीनों का? शेर चीज का ही कहते हैं। शेर पीछे देखे बकरी बना दूंगा एक मिनट में। अच्छा सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, देख लो आपने देख ली नहीं, गाड़ी चोरी कर रहे हैं अभी, डिफेंडर गाड़ी, गाड़ी चुरवाने वाले तो यही हैं, सरदार हैं जी ये तो। हाँ भाई हमारे जो मेन आदमी यही है, अभी आप तो बताइए ना, बड़े भैया है जो भी है जैसा भी है सब यही करवाते हैं हम पे, तो यही करवाते हैं जी। करें सर धोखा? क्यों गैस कर दिया? क्या धोखा कर दिया भाई? भाई ये सर जी जैसे गाड़ी चुराई भाई, ये भाई कहते मुझे 50,000 रुपया जैसे गाड़ी बहुत सी चुरवाने को, 50,000 रुपया गाड़ी बेची, अब 50,000 में से भाई क्या मुझे 50 दो सर जी, दो तो हमारे भी तो दो हिस्सा है सर, ये तो जेल जाएंगे जब ही सुधरेंगे दोनों को, नहीं तो ना सुधरे हैं, रोज चोरी होंगी ऐसे ही। तुम तो मौके में वैसे ही दोनों पकड़े गए हो, और इन दोनों के डिस्क्लोजर पे तो भी बंद होगा सर जी, चोरी करवाने वाले तो यही है। अच्छा बड़े भैया जब सर जी, जब हम पे 2 रुपया जरूरत पड़ रही है तो बड़े भैया से मारे निकलते चोरी कर लो जी, जब से स्टार आईडी अलग करी इन्होंने, इन्होंने भगाए जो समय के दर्शन शुभराज जी ना बाबू जी, क्यों ना जी तू हमें जेल ना, हमें ता पता अब तुमने बुलवाए ना जी, तुमने कैसे सर आपकी वजह से आपने फोन करो, मैं आपने मैंने कहने सो हमारा इंतजार नीचे कर रहा हूं, कदवे निकल के हमें गेट में बाहर, सर अगर मुझे नुबत होती आए तुम्हारे पास आए मैं कतई ना आता जी, तो 1 घंटा हो गया फोन करे हुए सर, अगर मैं तो आता ही ना, जब मुझे पता होती दोनों आपके पास है। अच्छा दोनों मतलब साथी पकड़े गए तो तू फरार हो जाए ना सर, चोरी तो ही तलवार, सुन चीता ही कहते हैं, जादू ही कहते हैं भाई अभी। शेर चीता ही कहते हैं, मारा बनाऊ मैं शेर चीता। सर जी 50,000 रुपया सर जी गाड़ी बेची हमने, सर जी तू दे दे 50,000 हम 40 या 3 हिस्सा तो होने चाहिए, धोता करो हर चीज में, हर चीज में कहते धोता करो, कैसे धोता करो 50,000 रुपया क्यों दे दिया? शुरू से लेकर एंड तक इनके सारे धोखे, 50,000 रुपया तो देवे क्यों, 50,000 बेचती तू तो कह हमें 2,000 रुपया दे दे जी, जाओ तुम खा पी लियो, मैं तो मैं आदमी हूँ, अब हमें तो चुटा जेल, तू सर ने धारा लगा दी हम पे, जेल भेज रहे मैं कह रहा हूँ, दोनों ने डुबा दियो दोनों ने, भैया ने मिलके अन्नी, मैं तो 36 बिरादरी का हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जो मैं दोबारा भी आई ड्यूटी हुई 3 बार आई ड्यूटी के फिर भी मैं आज
फॉलोवर्स मेरे भाई ने सब एक बार आई ड्यूटी तीन बार बता दिए भैया तकड़ो प्यार है एक बार आई ड्यूटी सभी पता है तीन बार आईडी सर मेरे एक रात के 1500 हुए हुए सब्सक्राइब एक दिन के ही वो भी उठा दी अब इंस्टाग्राम की दुनिया पता ही 76,000 फॉलोवर्स बस मेरी आईडी उठी तो तेरी थोड़ी उठे दुनिया की उठ रही है तो ना देखो 36 बिरादरी को निवेदन है ऐसे ही प्यार बनाए रखा मेरे भाई ऐसे आईडी सबकी ना उठती कोई धोखेबाज है दोनों का दोनों धोखेबाज है गाड़ी चुराई है अगर हम गाड़ी चुराते तो अगर ये हमारे साथ में होते तो हमारे फोन पे आप चुनू ना कहते थे कि भैया मैं तो मतलब ना जीन छू दोनों के दोनों झूठे गाय के झूठे चुनवाने वाले तम हो यार सारी चीज तम चुनवा रहे हो हम छू इसकी स्टेटमेंट पे शेर भी चिड़ियाघर में जाएगा जी और जादू भी वापस जाएगा जी मैं मोहत तुम धरतू छोड़ दिए दोनों इस तरह की कहानी बतानी चाहता हूँ तब हमें छुट्टा तक ले जा आंसू हमें जेल भेजने क्या हो तू बेसमती यार तो सबसे ज्यादा पैसा तू ले बुआ के लौंडा की चोरी करी दोनों 50,000 रुपया तू ले 50,000 में तू हमें 2,000 रुपया दे तू यार तुमने बुआ के लड़का की चोरी करी दोनों ने किसने करी किसने करी तुमने करी धर्म उठा पानी तेने ना पहली बार होटल पे पैसा दिए पानी उठा तेने पहली बार होटल पे पैसा ना दिए सच्ची खसम खा तो ना पहली बार होटल पे पैसा चुराते तेने संजय चेंबर्स ना दिए इधर हो पानी पब्लिक 36 बिरादरी कसम खाते थे यार मैं भी देते पानी उठा तू झूठा हो यार भाई मैं पानी उठा अरे हट मैं उठा रहा हूं पानी मार दे तू तो इन्हें मैं पानी उठा रहा हूं सर जी सर यार बुआ तो लौंडा जेब में पैसा है निकाले पहलवान होटल पे पैसा दिया सर जी इसने बुआ तो लौंडा की जेब में तू मैं सर धोखेबाज है सर धोखेबाज है सच्चा आदमी चुप हो चिड़िया घर बना रखा है तो दोस्तों अब आप बताएं इन शेर चीता जादू का क्या करना है आपने इनका झगड़ा देखा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इनको पूछताछ में क्या सजा दी जाए स्टे ट्यून स्टे कंटिन्यू थैंक यू वेरी मच लव यू ऑल जय हिंद होगी पूछताछ खोलेंगे सारे राज अब खोलेंगे सारे राज।